हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का, पहले देख लेते हैं। पहले हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट सेट टू कमिट थेफ्ट, सेक्शन 378 IPC। सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली अगर दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बिना उसकी पोजेशन से डिसऑनेस्टली उठा लेता है, उसे चोरी करना कहते हैं या कहेंगे। इसका जो डेफिनेशन दिया गया वो सेक्शन 378 इंडियन पीनल कोड में दिया गया है। इधर देख लेते हैं, एक्सटॉर्शन बोलता है हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर इन एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी पर्सन ही इज इंटरेस्टेड एंड इंड्यूसेस सच पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और एनी थिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट एक्सटॉर्शन, सेक्शन 383 IPC। जो कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली किसी दूसरे व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डालता है, उस डर में वह व्यक्ति अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई साइन या कोई सील्ड प्रॉपर्टी वितरित कर देता है उस डर से, जिसे एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्सटॉर्शन। इसकी डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये डिफाइन किया गया है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या हुआ कि इधर बोल रहे हैं कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उठा सकता है अगर इंटेंशनली उठाता है, लेकिन पोजेशन से उसके डिसऑनेस्टली उठाता है। इधर क्या है, डर का एक भय, एक डर है किसी व्यक्ति को, उस डर से वो व्यक्ति अपना किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी प्रॉपर्टी पे साइन या किसी पेपर पे साइन कर देता है, या फिर कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो सील्ड है उसको वितरित कर देता है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी संपत्ति है जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी डर से दूसरे व्यक्ति को दे दे। सेकंड है, इन थेफ्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर। जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोरी करेगा, किसी व्यक्ति की कोई चीज़ या कोई संपत्ति चोरी करेगा, वो उसकी पोजेशन से डिसऑनेस्टली उठाना चाहिए जो कि उसकी कंसेंट के बिना उठाई गई हो। एक्सटॉर्शन में वही प्रॉपर्टी कंसेंट से दी जाती है, लेकिन वो डर से दी जाती है। थर्ड है, थेफ्ट कैन ओनली बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो थेफ्ट होता है उसमें सिर्फ एक मूवेबल प्रॉपर्टी ही उठा सकते हैं। इधर थर्ड है, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, दोनों चीज़ें हो सकती है, इमूवेबल भी और मूवेबल भी। फोर्थ है, नो फोर्स इन इज यूज्ड। इसमें किसी भी तरह के फोर्स का यूज़ नहीं होता है। इधर है, पुटिंग ऑफ अ पर्सन इन फियर मस्ट बी एसेंशियल। एक्सटॉर्शन में किसी भी व्यक्ति का डर में होना आवश्यक है। एक वर्ड आया है, मूवेबल और इमूवेबल। तो वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं या होती हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ज्वेलरी, बुक्स, किसी भी तरह के पेड़ अगर वो कटे रखे हुए हैं तो, जो कि अटैच नहीं है अर्थ से, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, कोई रॉयल्टी और कोई भी प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय गवर्नमेंट और एटसेट्रा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, हाउस, लैंड, कोई भी ऐसी चीज़ जो अटैच टू द अर्थ, ठीक है, और एटसेट्रा। तो आज हमने बताया आपको कि डिफरेंस क्या होता है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में। अगर ये बात समझ में आपको ठीक ठीक आ गई हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके पास टॉपिक हो जिसको आप समझना चाहते हैं वो भी हमें बता दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।